गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है, या फिर असर्टिव सेंटेंस को कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है, इसी को देखने वाले हैं। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका अभिप्राय प्रश्न करना नहीं होता है, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ या भाव बदले असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक वैसे ही असर्टिव सेंटेंसेस को बिना अर्थ या भाव बदले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार के इंटरचेंजिंग के लिए कुछ नियम हैं जिन्हें यहाँ बताया जा रहा है। नंबर वन, एनोमाइलस फाइनाइट से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने की विधि। नंबर वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब प्लस सब्जेक्ट के वर्ड ऑर्डर के बदले वाक में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का वर्ड ऑर्डर दें। नंबर टू, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट या नो या कोई अन्य निगेटिव वर्ड हो तो अविष्ट असर्टिव सेंटेंस में इसका लोप कर दें। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड ना हो तो अविष्ट असर्टिव सेंटेंस में नॉट, नो या नेवर या कोई अन्य उपयुक्त निगेटिव वर्ड दे दे। नंबर थ्री, नोट ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पर फुल स्टॉप दे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है और ये असर्टिव है। एम आई अ थीफ, क्या मैं एक चोर हूँ? आई एम नॉट अ थीफ, मैं एक चोर नहीं हूँ। एम आई नॉट राइट, क्या मैं सही नहीं हूँ? आई एम राइट, मैं सही हूँ। यानी हेल्पिंग अब शुरू है, उसके बाद सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट दे देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट नहीं है तो नॉट लगा देना है, या फिर नॉट था तो नॉट को हटा देना है। इज सी ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर है? इसका असर्टिव सी इज नॉट ब्यूटीफुल, वह सुंदर नहीं है। कैन अ मैन लिव फॉर एवर, क्या कोई व्यक्ति हमेशा के लिए जी सकता है? अ मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर, एक व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं जी सकता है। डू आई नॉट लव हर, क्या मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ? सॉरी, क्या मैं आपको प्यार नहीं करता हूँ? आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। डिड सी नॉट एब्यूज यू, क्या उसने आपको गाली नहीं दिया? सी एब्यूज्ड यू, वह आपको गाली दी। शैल आई एवर फॉरगेट यू, क्या मैं कभी आपको भूलूंगा? आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। कैन द ब्लाइंड सी, क्या अंधे देख सकते हैं? द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे नहीं देख सकते हैं। हैव आई नो लव फॉर यू, क्या मेरे पास आपके लिए प्रेम नहीं है? इसका मतलब आई हैव लव फॉर यू, मेरे पास आपके लिए प्रेम है। ठीक इसके विपरीत प्रक्रिया द्वारा असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे असर्टिव से इंट्रोगेटिव, देखिए, द डेफ कैन नॉट हियर, बहरे सुन नहीं सकते हैं, तो फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब कहना है, इसको ले लेंगे, उसका सब्जेक्ट द डीफ, उसके आगे नहीं है नॉट इसमें है तो हटा देंगे, फिर यहाँ पे हियर। कैन द डीफ हियर, क्या बहरे सुन सकते हैं? इसके आगे ही इज इनोसेंट, वह निर्दोष है, इसका मतलब इज ही नॉट इनोसेंट, क्या वह निर्दोष नहीं है? आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। डोंट आई नो हर, क्या मैं उसे नहीं जानता हूँ? सी लव्स मी, वह मुझसे प्रेम करती है। डज सी नॉट लव मी,
क्या वह मुझसे प्रेम नहीं करती है? आई डू नॉट वेक्स हर, मैं उसे तंग नहीं करता हूँ। डू आई वेक्स हर, क्या मैं उसे परेशान करता हूँ? आई डिड नॉट टेल अ लाई, मैंने झूठ नहीं बोला। डिड आई टेल अ लाई, क्या मैंने झूठ बोला? ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दिया। डिड ही नॉट अब्यूज मी, क्या उसने मुझे गाली नहीं दी? ह्यूमन नेचर कैन नॉट चेंज, मानव की जो स्वभाव है वो नहीं बदल सकता है। तो कैन ह्यूमन नेचर चेंज, क्या मानव की स्वभाव बदल सकता है? नंबर टू, हु से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एवरीवन, नो वन, नोबडी या नॉन का प्रयोग करते हैं। एवरीवन का प्रयोग तब करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड प्रयुक्त रहता है। नो वन, नॉन या नोबडी का प्रयोग तब करते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं रहता है। जैसे ये इंट्रोगेटिव असर्टिव, हु डज नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता है? तो नॉट है तो एवरीवन लगा लेंगे, एवरीवन नोज गांधी जी, नॉट है तो हटा देंगे, सब कोई गांधी जी को जानते हैं। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपने देश से प्रेम नहीं करता है? एवरीवन लव्स हिज कंट्री, सब कोई अपने देश से प्रेम करता है। हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लायन, कौन एक शेर से नहीं भागेगा? एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लायन, सब कोई शेर से भागेंगे। हु कैन सरपास हर इन ब्यूटी, कौन सुंदरता में उसे आगे निकल सकता है? नो वन कैन सरपास हर इन ब्यूटी, यानी कोई भी सुंदरता में उससे आगे नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पे नॉट नहीं है तो नॉट लगा देने, नॉट के जगह पर नो वन कर दिया है सब्जेक्ट। हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है? नो वन हैज सीन द विंड, हवा को किसी ने नहीं देखा है। हु कैन पुट अप विद सच एन इंसल्ट, कौन परेशान हो सकता है कौन ऐसी अपमान से? नो वन कैन पुट अप विद सच एन इंसल्ट, कोई भी ऐसी अपमान से परेशान या तंग नहीं हो सकता। हु इज ग्रेटर देन गॉड, गॉड से महान कौन है? नो वन इज ग्रेटर देन गॉड, गॉड से महान कोई नहीं है। हु हैज नो फियर इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसके पास डर नहीं है? एवरी वन हैज फियर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबके पास डर है। इसी प्रकार हु का प्रयोग कर एवरी वन, नो वन, नॉन, नो बॉडी से शुरू होने वाले असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे असर्टिव से इंट्रोगेटिव, एवरी वन विशेस टू लिव लॉन्ग, सब कोई लंबी लंबी जिंदगी जीना चाहता है। हु डज नॉट विश टू लिव लॉन्ग, कौन लंबी जिंदगी नहीं चाहता है? एवरी वन वुड क्राई वेन स्ट्रक, सब कोई रोएगा जब उसे चोट लगेगी। हु वुड नॉट क्राई वेन स्ट्रक, कौन नहीं रोएगा जब या चिल्लाएगा उसे चोट लगेगी। एवरी वन वुड लव हिज मदरलैंड, सब कोई अपने देश से प्रेम करता है। हु वुड नॉट लव हिज मदरलैंड, कौन अपने मातृभूमि से प्रेम नहीं करेगा या नहीं करता है। एवरी वन लाइक्स टू गेट मनी, सब कोई पैसे चाहते हैं, पैसे पसंद करते हैं।
पैसे कमाना पसंद करते हैं, हु डज नॉट लाइक टू गेट मनी, कौन पैसे हासिल करना नहीं चाहता है, नो वन कैन क्लाइम द स्काई, कोई नहीं आकाश पे चढ़ सकता है, हु कैन क्लाइम द स्काई, कौन आकाश में जा सकता है, नो वन विल टॉलरेट सच एन इनजस्टिस, कोई भी ऐसी अन्याय ऐसा अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा, हु विल टॉलरेट, कौन बर्दाश्त करेगा सच एन इनजस्टिस, ऐसी अन्याय, नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम्स, कोई भी बिना समस्या का नहीं है, इसका मतलब हु इज विदाउट प्रॉब्लम्स, कौन बिना समस्या का है। नंबर थ्री, निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान में से देखें और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को समझें, इंट्रोगेटिव और ये अफर्मेटिव। नंबर वन, व्हेन विल ही बिकम अ डॉक्टर, वह कब एक डॉक्टर बनेगा, इसका सर्टिव ही विल नेवर बिकम अ डॉक्टर, वह कभी एक डॉक्टर या चिकित्सक नहीं बनेगा। व्हेन विल यू हैव सेंस, आपके पास कब बुद्धि होगी, यू विल नेवर हैव सेंस, आपके पास कभी भी बुद्धि नहीं होगी। When can their glory fade? उनकी जो glory है, गौरव है, वो कब खत्म हो सकता है? Their glory can never fade. उनकी जो गौरव है वो कभी मुरझा नहीं सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। How can I repay your kindness? मैं आपकी दयालुता को, आपकी मदद को कैसे चुका सकता हूँ? I can never repay your kindness. मैं कभी भी आपकी दयालुता को चुका नहीं सकता। How can man die? इंसान कैसे मर सकता है? Better than facing fearful odds. और मरने से बेहतर है कि वो फेस कर रहा है उसके साथ जो हो रही है भयावह काम। मैन कैन नॉट डाई, इंसान नहीं मर सकता, बेटर देन, उससे बेहतर है फेसिंग फेयरफुल ऑड्स, वो फेस करना चाहेगा जो खतरनाक समस्या है, उसको मरना नहीं चाहेगा। वेयर विल ही नॉट बी रिस्पेक्टेड, उसकी कहाँ इज्जत नहीं होगी, ही विल बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, उसकी इज्जत हर जगह होगी। वेयर विल यू हैव पीस, आपको शांति कहाँ मिलेगी, यू विल हैव पीस नाउ हियर, आपको शांति यहाँ मिलेगी। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या होता यदि जो जमीन है खत्म हो जाता। इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, इवन इफ, यहाँ तक कि द फील्ड इज लॉस्ट, जमीन खत्म भी हो जाता है तो। व्हाट इफ, क्या होता है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन आई, अगर तुम मुझसे मजबूत होते हो तो। इट डज नॉट मच मैटर, ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इवन दो, यहाँ तक कि हालांकि, यू आर स्ट्रॉन्गर देन आई, कि आप मुझसे मजबूत होते। What does it matter if I lose? क्या होता, क्या बात होता अगर मैं लूज हो जाता, हार जाता या खो जाता। It does not much matter, ये बड़ी बात नहीं, even if, जबकि I lose, मैं हारता हूँ तो। What though we happen to be late? क्या होता हम लोग देर कर देते, ये हम लोग से देरी हो जाती। इट डज नॉट मच मैटर, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, इवन दो, हालांकि,
वी हैपन टू बी लेट, अगर देर हो जाता हम लोगों से. वाट मोर कैन आई डू, मैं और अधिक क्या कर सकता हूँ. आई कैन डू नथिंग मोर, मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता. वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, समय क्यों बर्बाद करना ट्रेस को पढ़ करके. इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, यह अत्यंत ही मूर्खता है टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना इन रीडिंग ट्रेस, ट्रेस को पढ़ करके. वाई वेस्ट टाइम हेयर, समय यहाँ बर्बाद क्यों करना. इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम हेयर, यहाँ समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है. या इट इज यूजलेस, बेकार है टू वेस्ट टाइम हेयर, यहाँ समय बर्बाद करना. या फिर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, यह अत्यंत मूर्खता है टू वेस्ट टाइम हेयर, यहाँ समय बर्बाद करना. वाई ईट सो मच, इतना अधिक क्यों खाना. इट इज नो यूज ईटिंग सो मच, ज़्यादा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट इज यूजलेस टू ईट सो मच, ज़्यादा खाना बेकार है. इट इज एक्सट्रीमली इम्प्रॉपर, यह अत्यंत ही अनुचित है टू ईट सो मच, अधिक खाना. वाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब जो होना था हो गया, उसके बाद पछताने से क्या फ़ायदा. इट इज नो यूज क्राइंग, कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्राई रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो हो गया उसके लिए. इट इज नो यूज, कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो हो गया उस पर रो करके. इट इज़ अ मेयर वेस्ट ऑफ टाइम, यह केवल समय की बर्बादी है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो हो गया उसको लेकर के रोने के लिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.